नमस्कार दोस्तों, अडोल्फ हिटलर जो कि 12 साल तक जर्मन पर रूल किए और इन्हीं 12 सालों में रशियन की सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट आर्मी की नाक में दम कर दिए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके चलते हिटलर ने एक बंद कमरे में अपने आप को गोली मार दिए और गोली मारने से पहले उन्होंने अपने लोगों को ये बोले कि मेरे मौत के बाद मेरे शरीर को जला देना है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बॉडी को लेकर कोई एक्सपेरिमेंट करे। तो उनकी सुसाइड करने के बाद जब उनकी लाशों को उनके लोगों ने जला दिए तो उस जला हुआ बॉडी USSR के हाथ लगता है। USSR ने जब आइडेंटिफिकेशन किए कि क्या ये सच में हिटलर की बॉडी है, तो उनको पता चला कि ये वाकई हिटलर की बॉडी है। तो ये बात हर जगह फैलने लगा कि हिटलर 30 अप्रैल 1945 के दिन सुसाइड कर दिए। लेकिन किसी ने भी इस बात को बिलीव नहीं किए। लोग ये सोच रहे थे कि हिटलर अर्जेंटीना, ब्राजील और अंटार्कटिका अपने खुफिया बेस में छुपा होगा। तो वर्ल्ड फेमस फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्रोफेसर फिलिप्स चार्लियर मॉडर्न रिसर्च मेथड को लेके एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के साथ मिलके हिटलर की दांतों को लेके एक एक्सपेरिमेंट किए कि क्या सच में ये जला हुआ लाश हिटलर की है या फिर किसी और की है। तो क्या निकला उस एक्सपेरिमेंट में? क्या वाकई 30 अप्रैल 1945 के दिन हिटलर ने सुसाइड किया था? तो क्या है इसके पीछे सच्चाई? आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। साल 1945 के दिन अप्रैल के महीना में बर्लिन पर हमला हुआ और उस टाइम जर्मनी दो मोर्चों के बीच था, क्योंकि जर्मनी अपना रिसोर्सेज और अपने सेना को खो चुका था। लेकिन फिर भी जर्मनी सेना के लीडर ने अपने सोल्जर को आगे बढ़ने का आदेश दिए। लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर अमेरिकन के आर्मी बढ़ रहे थे और उन्होंने जर्मन की सेना को पश्चिम में रोके रखे, और इधर जर्मन की उत्तर दिशा में सोवियत की सेना ने घेर चुके थे। तो वर्ल्ड वॉर टू के शुरुआत के टाइम बर्लिन ने अपने आप को 9 सेक्टर में डिवाइड कर चुका था, वो भी 8 सर्कल में, और बीच में एक गवर्नमेंट का क्वार्टर भी था। तो इन्हीं सभी सेक्टर को सिर्फ जर्मन की आर्मी नहीं बल्कि जर्मन की लोकल लोग भी सुरक्षा देने लगे। लेकिन इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एयरक्राफ्ट से बम गिरा के उन सेक्टर को तोड़ा गया। तो इस बमबारी की वजह से अप्रैल 19 तक 3 सेक्टर को तबाह कर दिया गया, जिसके चलते जर्मन के काफी सोल्जर मारे जाते हैं और जो बच गए थे वो सब अमेरिकन के आर्मी के आगे सरेंडर कर दिए। लेकिन दूसरे ओर हिटलर ने सरेंडर करने से मना कर दिया। मना कर देने के बाद हिटलर अपने बर्लिन के खुफिया बंकर में छुपने के लिए चले जाता है। लेकिन बंकर में जाने के बाद भी वो अपने आर्मी को ऑर्डर देता रहा। तो बर्लिन में उस खुफिया बंकर की बात करेंगे तो ये जमीन से 10 मीटर के नीचे था और इस बंकर के अंदर 12 लिविंग रूम्स थे जिनमें एम्प्लॉय काम करते थे सिर्फ हिटलर के लिए। और अप्रैल 20 के आते आते हिटलर बर्लिन से 17 किलोमीटर दूर चला गया था। तो जब ये बात अमेरिकन की आर्मी को पता चला तो उन्होंने बर्लिन की बाहरी जमीन पर बम गिराने लगे। तो इसके वजह से जर्मन की प्रचार मंत्री जोसेफ गोबल्स ने हिटलर को समझाया कि बर्लिन को छोड़कर दक्षिण जर्मनी की ओर जाने के लिए। लेकिन हिटलर ने डिसाइड किया कि बर्लिन में रुकने के लिए। तो बंकर में कई दिन रुकने के बाद हिटलर के मन डर से समा गया और इसी बीच हिटलर के एसोसिएट दुश्मनी सेना के साथ नेगोशिएशन करने के लिए सोच रहे थे। तो ये बात जब हिटलर को पता चला तो उसने अपने आर्मी को ऑर्डर दिया कि उन लोगों को गोली से मार देने के लिए, लेकिन किसी भी हिटलर की बातों को नहीं सुने। तो किस तरह हिटलर ने 22 अप्रैल को अपने 12 सेना टुकड़ियों को आदेश दिया कि पश्चिम से सोवियत सेना को घेरने के लिए। और इस टाइम प्रचार मंत्री जोसेफ अपने फैमिली के साथ बंकर में चले गए और बंकर में जाने के बाद उन्होंने नाजी की आखिरी न्यूज़पेपर लिखने लगे। तो 24 अप्रैल तक पूरा बर्लिन घेर चुका था और इसी बीच बंकर में गया हुआ कम्युनिकेशन लाइन को काट दिए। सिर्फ BBC रेडियो से हिटलर बाहरी दुनिया से कंटेक्ट कर रहे थे। तो इसी बीच मुसोलिनी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने हिटलर के साथ देने की वजह से उनको पकड़ के गोली से मार दिए। तो ये बात जब हिटलर ने सुने तो वो पूरी तरह डर गए। उन्हें लगा कि रशियन सोल्जर उनको पकड़ के मॉस्को की चौराहे पर फांसी की सजा सुनाया जाएगा। तो अप्रैल 29 तक आते आते जनरल ने बोले कि हमारा डिफेंस फोर्स अगले 26 घंटे तक सिर्फ टिक पाएगा, उसके बाद सब मारे जाएंगे। तो इस डर के वजह से हिटलर जो कुछ करना चाहते थे अपने लाइफ में वो सब कुछ उस बंकर के अंदर करने लगे। उन्होंने डिसाइड किया कि उनके लॉन्ग टाइम दोस्त ईवा ब्राउन के साथ शादी करेंगे। तो शादी करवाने के लिए बंकर में एक इंसान को बुलाया गया और हिटलर अपने वसीयत में जर्मन के लोगों के लिए कुछ शब्द लिखे और कुछ लॉ कानून सब अपने लोगों के लिए लिखे, और उन्होंने लिखे कि वो सुसाइड करने वाले हैं, और सुसाइड करने के बाद उनकी लाश को दाह संस्कार करने के लिए भी लिखे, और उनके जितने भी सारे पेंटिंग से उन सबको म्यूजियम में रखने के लिए भी लिखे, और वो अपने नया लीडर के लिए भी लिखे कि वो आगे भी इस तरह लड़ते रहे। ये सब हिटलर के अंतिम इच्छा US की मरिलैंड नेशनल आर्काइव इन कॉलेज पार्क में भी अभी भी रखा गया है। तो ये सब लिखने के बाद हिटलर ने शादी किए और सभी लोगों के साथ मिलकर पार्टी भी किए और सभी लोगों के साथ मिलकर स्मोकिंग भी किए। तो अप्रैल 30 के दिन तक सुबह 7 बजे टाइम पर हिटलर जिस बंकर में थे उससे 200 मीटर दूरी तक रशियन आर्मी पहुंच चुके थे। तो ये बात जानने के बाद हिटलर
ने अपने बंकर के अंदर बहुत सारे गैसोलीन को मंगाए। 2 बज के टाइम पर हिटलर ने अपने आखिरी लंच किए और उस टाइम में उनके सोल्जर उनके लिए एक प्लेन भी अरेंजमेंट कर लिए कि साउथ अमेरिका और जापान जाने के लिए, लेकिन हिटलर जाने से इनकार कर दिए। उनके पास टाइम था वहाँ से बच के जाने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं गए। और 3:20 के टाइम पर वो अपने पत्नी के साथ अपने अपार्टमेंट के अंदर चले गए। करीब 10 मिनट के बाद एक गोली का आवाज सुनाई दिया, तो उनके सोल्जर जब जाके देखे तो हिटलर अपने आप को गोली मार दिए थे और उनकी पत्नी इवा ब्रांड जहर पी लिए थे। तो उनके लाशों को उनके सोल्जर बाहर में ला के उस गैसोलीन को डाल के पूरी तरह जला दिए। तो ये था अडॉल्फ हिटलर का मौत का सच। तो आपका क्या राय है हिटलर की सुसाइड को लेकर कमेंट में बताना, और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ये भी बोल देना, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को नीचे सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो आज के लिए इतने, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में, तो तब के लिए कीप लर्निंग, कीप गोइंग एंड सेव वाटर। जय हिंद, जय भारत।